वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम गले की सूजन होने पर खाना निगलने में होने वाली कठिनाई की बीमारी के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इस रोग को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा उपयोग में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निगलने में कठिनाई होना यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी गले की सूजन में होना, निगलने में कठिनाई, जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी पीने से जुखाम हो जाता है और उस जुखाम की वजह से गले में खराश और हल्की सी सूजन भी आ जाती है, जिससे खाना निगलने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। फूड्स और लिक्विड को निगलने में कठिनाइयाँ होना डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग कहलाता है। इसके कारण निम्न है, जैसे कि फायरिंगजाइटिस यानी ग्रसनी शोध, टॉन्सिलाइटिस यानी गलसुओं में सूजन होना, भोजन नली का चकरा होना या एसियोफेगल ब्लॉकेज यानी भोजन नली में रुकावट होना, ऐंठन भी होती है, ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली में शोध होना, इसके कई प्रकार भी हैं। ओरल डिस्फेसिया जैसे कि टॉन्सिल्स में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक यानी कि पेट में सूजन या पेट में इन्फेक्शन, पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट प्लेट का पैरालिसिस होना। अब इसके कुछ संकेत और लक्षण भी हैं, आइए हम इनके बारे में भी बात करते हैं। इनके लक्षण निम्न प्रकार हैं, जैसे कि लार की अधिकता होना, चबाने में कठिनाई महसूस होना या कठिनाई होना, कफ एंड वोमिटिंग यानी कि खांसी तथा उल्टी भी होना, कफिंग ड्यूरिंग और आफ्टर स्वेलिंग यानी कि निगलते वक्त या उसके बाद खांसी आना। आइए अब इसके इलाज और ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ऐसा होने पर क्या क्या इलाज हमें करना चाहिए। गर्म पानी में 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालकर तथा साथ में पोवेडाइन आयोडीन मिलाकर गार्गिल करानी जानी चाहिए। इसके साथ दर्द कम करने हेतु टैबलेट SG-Pyrin, जिसमें कि फार्मूला डाइक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन आता है, इसकी एक टैबलेट दी जानी चाहिए एंटीबायोटिक के तौर पे, जिसे हम AG-Max 500 mg बोलते हैं। रोज़ाना एक गोली 3 दिनों तक लेनी चाहिए अथवा इसकी जगह पर कैप्सूल मोक्सीकाइंड 500 यानी एमोक्सिलिन फार्मूला कैप्सूल सुबह शाम 3 दिनों तक लेना चाहिए, अथवा इसके साथ एक टेबलेट और जिसे हम लिमसी भी बोलते हैं, विटामिन सी की जो आती है, रोज़ाना एक गोली लेनी चाहिए। अगर खांसी हो तो सिरप डायलिंटस या ग्रिलिंटस 5-5 ml सुबह शाम को देनी चाहिए तथा टैबलेट रेमिटिडिन यानी कि 80 lakh 150 mg एक गोली सुबह शाम खाली पेट देनी चाहिए। इसके साथ ही जनरल टॉनिक के तौर पर सिरप A2Z मल्टीविटामिन 5-5 ml सुबह शाम दी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना आप सबको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।